लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस भले ही पिछड़ गई हो, लेकिन उसे भरोसा है कि 4 जून को जब असली नतीजे आएंगे तो नतीजे उसके पक्ष में आएंगे, आंकड़े उसके पक्ष में आएंगे और कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, उससे ज्यादा आंकड़ा जाएगा। इसी भरोसे की वजह से कांग्रेस के मुख्यालय में कुछ इस तरीके की तैयारियां 4 जून को यानी नतीजों के दिन के लिए की जा रही है। दिल्ली में 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसके मैदान में कुछ इस तरीके से पंडाल आदि लगाए जा रहे हैं। खासतौर पे सुबह से ही जिस तरीके से चुनाव परिणाम के रुझान सामने आएंगे और इस दौरान जो टीवी चैनलों पर चर्चाएं होती हैं, प्रवक्ता शामिल होते हैं, इन सब के मद्देनजर, टीवी डिबेट के मद्देनजर पंडाल आदि लगाया जा रहा है और देश भर से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ गर्मी में मैदान में खड़े हैं। कहाँ से आए आप? हाँ, महाराष्ट्र संगमनेर, राजपीर खुर्द तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर। तो क्यों अहमदनगर से दिल्ली क्यों आ गए? अभी चुना है, अभी सरकार बनने वाले राहुल गांधी की। हम भारत जोड़ने यात्रा में चले होते पैदल बिगर चप्पल के, मणिपुर से बॉम्बे तक चले थे हम। हाँ। तो एग्जिट पोल का आंकड़ा तो कुछ और बता रहा है, आपको किस बात का भरोसा है? भगवान पे भरोसा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम आंध्र प्रदेश कर्नूल से आए। अच्छा, तो कैसे आना हुआ है? नतीजों के उत्साह में आ गए? नतीजों के उत्साह में, लेकिन इतना उत्साह किस बात का है आप लोगों को? एग्जिट पोल तो बता रहा है कि बंपर बहुमत से मोदी जी एक बार फिर आ रहे हैं। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। हाँ, है ना। हाँ, तो कांग्रेस की सरकार बन रही है केंद्र में, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। आप कहाँ से आए? मैं अभी गुजरात से हूँ। अच्छा, बड़ौदा से। हाँ, गुजरात में कितनी सीटें आ रही हैं? गुजरात में हमारी कांग्रेस की कम से कम 8 सीट आ रही है। मात्र 8 आ रही है? 8 आ रही है गुजरात की। अच्छा। हाँ, और देश भर में? देश भर में 300 आ जाएगी। 300% आएगी, लेकिन क्योंकि पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक जिस तरह पब्लिक में इतना उत्साह है कि गठबंधन आ रहा है। हाँ। लोग बदलाव चाहता है, लेकिन एग्जिट पोल तो बताता है कि पब्लिक साथ है मोदी जी के। एग्जिट पोल बताने वाला कौन, किसका है? हाँ। वो मोदी जी का है। आप लोगों का हौसला कम नहीं हुआ एग्जिट? बिल्कुल नहीं, हम जीत रहे, हम सरकार बना रहे। महाराष्ट्र में कितनी सीट? हमारे 35 सीट आने वाली, उद्धव ठाकरे के 35 सीट आने वाली। कांग्रेस के 20 से आएंगे, राष्ट्रवादी के आएंगे, सरकार कांग्रेस से। हम कांग्रेस, घर घर में कांग्रेस। उद्धव ठाकरे का नाम ले रहे हैं? उद्धव ठाकरे हमारा महाराष्ट्र का है नेता है, वाला साहब। आप आंध्र प्रदेश से आए, आंध्र प्रदेश में तो खाता भी नहीं खुल रहा था कांग्रेस का, दिख रहा है। बिल्कुल बात सही है, मगर दूसरी जगह तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं भी आंध्र प्रदेश से हूँ, कर्नूल से। हाँ। और सारे साउथ में जो है कांग्रेस जीत रही है, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार, मतलब वहाँ पे भी सीट आ रही है हमारी, केरल में भी सारी सीटें। एग्जिट पोल के आंकड़ों से आप लोग दुखी नहीं है? नहीं, हम तो दुखी नहीं है। तो आप लोग यहाँ आए, कल अगर आंकड़े पक्ष में आए तो जश्न मनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़े ऐसे ही आए थे? नहीं, वो तो नहीं होगा, नहीं, जश्न ही रहेगा। जिस तरह जश्न ही रहेगा, जिस तरह होम मिनिस्टर साहब के तरफ से वहाँ से जो डीएम को जो धमका जा रहा है, ये उचित नहीं है। कहाँ से कह रहे हैं आप? अब हमने न्यूज में देखा, न्यूज पेपर में। वो तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो छपी है खबर। आप कहाँ से आए? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में कांग्रेस आएगी। कितनी सीटें? 6 सीट तो कम से कम। 6 सीट आएगी, लेकिन एग्जिट पोल तो बता रहा है कि हरियाणा में चली बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन देश भर में कांग्रेस की सरकार आ नहीं रही। देश भर में ऐसा है, टच होगा। कितना होगा? लगभग 270। अच्छा, मतलब बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगा, टच होगा, पहुंच जाएगा। होगा, लेकिन बाहर से अन्य पार्टियों से थोड़ा समर्थन जरूर लेना पड़ेगा। जैसे भी हो, सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन। सरकार बनेगी। अंत में आप लोगों से पूछूंगा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? पाजी आप आ जाओ, आप कहाँ से आए हो? मैं पटियाला, पंजाब। अच्छा, पटियाला में क्या हो रहा है? पटियाला हम जीत रहे हैं। रानी हार जाएंगी? महारानी रानी तीसरे नंबर पे आएगी। अच्छा, हाँ जी। और पंजाब में कितनी सीटें? 13। किसकी? हमारी 8 आएगी कम से कम। और बाकी 5 किसकी? 5 बीच है, आम आदमी पार्टी का भी है बीच। जैसे भी हो, 13 के 13 इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया, इंडिया। हाँ। देश भर में आपको क्या लग रहा है? देश भर में सिद्धू मूसे बढ़कर 295 कर देंगे, ये राहुल जी ने बोल दिया। राहुल गांधी ने बोल दिया, हौसला एकदम बुलंद है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या एक पल के लिए भी मायूसी नहीं हुई एग्जिट पोल में, जब दिखा कि 350 के पार एनडीए दिख रहा है, मायूसी बिल्कुल नहीं हुई क्या? जनता की लड़ाई थी जी, हम जनता है, हम ग्राउंड जीरो पे आए हैं, हमें पता है हमने कैसे काम किया है। एग्जिट पोल के आंकड़े कैसे आ रहे हैं? वो तो ये कारपोरेट का है, अपने उनके चैनल है, तो अपने तरीके से चलिए। चलिए, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? सिर्फ एक नाम बताइए। जो पार्टी डिसाइड करेंगी गठबंधन, जो बैठ के ही जाएगा अगर बहुमत आया, आप किसको प्रधानमंत्री? हम प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं। प्रियंका गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। नहीं लड़ने से वो तो बाद में भी लड़ सकती है। राज्यसभा देखना चाहते हैं? राहुल गांधी।
आप इसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? ये तो वही है जाने जो पीएससी वगैरह, ये वो तो सही बात है। आपके दिल में क्या है? आप किसको योग्य समझते हैं? आप किसको योग्य समझते हैं? हम तो अपने आप को योग्य समझते हैं। जन नायक राहुल गांधी जी। अच्छा, आप ही सोच रहे हो? राहुल गांधी, राहुल गांधी देश के नेता राहुल गांधी जी सर। लेकिन आप में से किसी ने खड़गे जी का नाम क्यों नहीं लिया? अध्यक्ष तो वो है। नहीं, युवा लीडर रहा है तो युवा, हम युवा चाहते हैं कि राहुल जी आए, प्रियंका दीदी आए। अच्छा, अभी आप बदल गए, अभी आप प्रियंका जी को नहीं, नहीं, आप राहुल जी को नहीं, दोनों एक ही है और एक ही विचार है, वो देश के प्रति और देश का बदलाव चाहते हैं। बोलिए सब पार्टी वाले ने एक मन ठहर गया, अभी खाली राहुल गांधी, सब पार्टी वाले राहुल गांधी को। चलिए तो कांग्रेस दफ्तर में एग्जिट पोल के आंकड़ों से मायूसी तो नहीं दिख रही है, नतीजों को लेकर के तैयारी दिख रही है और कार्यकर्ता देश भर से पहुंचे हुए हैं। गर्मी के बावजूद कांग्रेस दफ्तर में घूम रहे हैं, बातचीत में कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले भले ही एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन बीजेपी को बंपर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है, इंडिया गठबंधन का दावा है कि कम से कम 295 सीटें आएंगी। कांग्रेस पार्टी की पूरी नजर 4 जून को होने वाली काउंटिंग पर है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को कहा है कि हौसला मत खोइए और काउंटिंग सेंटर में अंत तक डटे रहिए, सजग रहिए और गिनती को लेकर के जो तमाम प्रावधान है उन सब को लेकर सजग रहिए। पोस्टल बैलेट की गिनती की मांग पहले हो, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के तेवर आक्रामक है, बैकफुट पर पार्टी नजर नहीं आ रही है। काउंटिंग के दिन को लेकर के काउंटिंग सेंटर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को सजग रहने की जो नसीहत है वो पार्टी नेतृत्व की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है। एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने पूरे देश के उम्मीदवारों के साथ बैठक की और पार्टी दफ्तर में तैयारी चुनाव के नतीजों को लेकर के की जा रही है। देखना यही है कि तैयारी बीजेपी दफ्तर में भी है, तैयारी कांग्रेस दफ्तर में भी है, लेकिन जश्न तो एक ही जगह बनेगा, जिसकी सरकार बनेगी। किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ा सवाल। 4 जून को ही तस्वीर साफ होगी।